हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपको हर्बल तेल बनाने की विधि बताएंगे। एक ऐसा तेल बनाएंगे जिससे आपके बालों की हर समस्या दूर होकर आपके बाल लंबे, काले, घने, मजबूत और हेल्दी बनेंगे। इसे लगाना कैसे है और बनाना कैसे है, आपको ये पूरी जानकारी इस वीडियो के दौरान देने वाली हूँ। सो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करते हुए पूरी वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। तो दोस्तों, सबसे पहले तो गैस का फ्लेम लो पर रख के एक कढ़ाई चढ़ाएं। उस कढ़ाई में आप नारियल तेल आपको डालना है। जितनी क्वांटिटी में मात्रा में आप इस तेल को बना कर रखना चाहते हैं, उतनी ही क्वांटिटी में आप नारियल का तेल लेंगे। तो यहाँ मैं ले रही हूँ 150 ग्राम, 150 ग्राम नारियल का तेल। उसमें मैं 8 से 9 आंवला को बारीक काट कर इसमें डाल रही हूँ। तो आप तो जानती होंगे दोस्तों, आंवला हमारे बालों के लिए कितना ज़्यादा गुणकारी है, कितना ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इससे आपके बालों की काफ़ी तरह की प्रॉब्लम जो हैं वो दूर होती हैं। तो आंवला को डालने के बाद अब इसमें एक प्याज, कटा हुआ प्याज मैं इसमें डालने वाली हूँ। प्याज भी हमारे बालों को मजबूती देता है, टूटते झड़ते बालों की समस्या को दूर करके बालों की ग्रोथ बढ़ाने में बहुत हेल्प करता है। और साथ ही साथ मैं इसमें अदरक के छोटे छोटे पीस को मैं इसमें डालने वाली हूँ। आधी कटोरी कटा हुआ अदरक डाल रही हूँ, जो भी हमारे बालों को मजबूती प्रदान करता है, बालों की ग्रोथ बढ़ाने में बहुत हेल्प करता है। इसके बाद 2 चम्मच कलौंजी डालें, जो भी हमारे बाल जो हैं, सफ़ेद बाल जो हैं, जो उम्र से पहले हमें सफ़ेद बाल की प्रॉब्लम जो फेस करनी पड़ती है उसे दूर करके बालों को कुदरती काला रंग देने में बहुत हेल्प करता है। 2 चम्मच मेथी दाना, ये भी हमारे बालों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। 2 चम्मच काले तिल, काले तिल भी उम्र से पहले होने वाले सफ़ेद बालों की प्रॉब्लम को दूर करके बालों को कुदरती काला रंग देने में बहुत फ़ायदेमंद है। अभी लास्ट में करी पत्ता की पत्तियों का 2 चम्मच पाउडर डालेंगे। आपको फ्रेश लीव्स मिल जाएं, ताज़ा पत्तियां मिल जाएं, तो आप ताज़ा डालिए। मेरे पास ये पाउडर फॉर्म में पड़ी हैं, तो मैं पाउडर फॉर्म में 2 चम्मच ले रही हूँ। और हाँ दोस्तों, अगर आपको गुड़हल के फूल मिल जाएं, पत्तियां मिल जाएं, तो आप इसमें ज़रूर मिक्स करिएगा दोस्तों, चाहे पत्तियाँ चाहे फूल चाहे दोनों। तो गुड़हल के फूल और पत्तियों में बहुत गुण पाए जाते हैं दोस्तों, हमारे बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा गुणकारी है गुड़हल के फूल और पत्तियाँ। मुझे नहीं मिले तो मैं इसमें नहीं डाल रही हूँ, आपको मिले तो आप ज़रूर डालना, तो आपका ऑयल जो है, हर्बल तेल जो है आप बना रहे हैं, वो और भी ज़्यादा गुणकारी बनेगा। तो इसे आप हिलाते रहें। और हाँ दोस्तों, इस बात का आपको बेहद ख्याल रखना है कि गैस का फ्लेम आपको लो ही रखना है, बिल्कुल भी हाई या फिर मीडियम नहीं रखना है, बिल्कुल मीडियम लो फ्लेम पर ही आपको इस ऑयल को बनाना है। तो इसे हिलाते रहें और कम से कम आपको आधा घंटा ज़रूर लगने वाला है इस ऑयल को बनाने के लिए, क्योंकि लो फ्लेम पर ही आपको इस ऑयल को बनाना है। तो इन सभी चीज़ों के जो गुण हैं, जो गुणकारी तत्व हैं, वो नारियल तेल में मिक्स हो जाएंगे जब ये अच्छी तरह से सब चीज़ें जो हैं वो पक जाएंगी इस तेल में। तो अभी हमारा तेल जो है वो तैयार हो गया, बन गया। तो गैस का फ्लेम बंद करके इसे ठंडा होने के लिए, थोड़ा सा ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो जब ये थोड़ा सा गर्म रह जाए, तब हम एक स्ट्रेनर की हेल्प से स्ट्रेन कर लेंगे एक कांच की बोतल में। तो अभी मैं स्ट्रेन कर रही हूँ, आप चाहे तो कपड़े की सहायता से भी इसे छान कर एक कांच की बोतल में इस तेल को भर सकते हैं। तो इसे यूज़ कैसे करना है दोस्तों, इस तेल को आप हफ्ते में 2 बार रात को सोते वक्त अपने बालों पर, बालों की जड़ों पर अच्छे से मसाज करिए हल्के हल्के हाथों से कम 10-15 मिनट तक, और अगली सुबह अपने बालों को आप धो सकते हैं। तो यकीन मानिए दोस्तों, ये हमारा ऑयल जो है, तेल जो है, वो इतना गुणकारी तैयार हुआ है, इतना गुणकारी कि आपके बालों की हर तरह की समस्या को दूर करके आपके बालों को हेल्दी बनाएगा, लंबा, घना, काला बनाने में बहुत मदद करेगा। तो ये था मेरा आज का वीडियो दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा।
तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। तो मुझे दीजिए इजाज़त, थैंक यू।